क्या सी ए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किया गया इसके बारे में डिटेल में जानेंगे एक स्टूडेंट्स मुझसे पूछा क्या मे 2025 इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन कोर्स में चेंज किया गया है क्या एक साथ बोथ ग्रुप का करना होगा क्या सारा डाउट क्लियर करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आया था एक जुलाई 2023 को न्यू कोर्स लॉन्च हुआ था आप ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा उसी के पीडीएफ में जब अपडेट आया था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सी इंटरमीडिएट कोर्स का रजिस्ट्रेशन फी अठारह हजार यहाँ तक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए चाहे आप फाउंडेशन रूट से जाओ या डायरेक्ट इंट्री रूट से अगर आप ग्रुप वाइज इससे पहले जब न्यू कोर्स नहीं था उससे पहले रजिस्ट्रेशन करते थे आप चाहो तो सिंगल सिंगल ग्रुप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते थे तेरह के करीब पैसा लगता था सॉरी स्टूडेंट्स पैसा नहीं रुपया लगता था मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन न्यू कोर्स जब से लॉन्च हुआ उसके बाद से न्यू कोर्स में जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पे सिंगल सिंगल ग्रुप करके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते यानी कि आपको एक साथ बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना होगा लेकिन एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आप चाहो तो ग्रुप वन का फिल करना ग्रुप वन का फिल कर सकते ग्रुप टू का तो ग्रुप टू का बोथ का तो बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते क्या ये चीज मी दो एंड ऑनवर्ड से चेंज होने जा रहा है आप जहां पे भी सुने हो ये गलत इंफॉर्मेशन है मे 2024 से ही ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है न्यू कोर्स में आप चार्ट स्टडीज़ को फॉलो करोगे तो चार्टेड स्टडीज़ हमेशा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इसके अलावा बच्चों सी ए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 का चाहे फाउंडेशन रूट हो या डायरेक्ट इंट्री रूट हो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है मई 2025 का स्टार्ट है तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट एक सेप्टेम्बर दो होगा अगर आपको सेप्टेंबर दो में एग्जाम देना तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या होगा एक जनवरी दो हज़ार कैसे सी ए फाउंडेशन रूट से रजिस्ट्रेशन करना कैसे डायरेक्ट इंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करना मैंने वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा क्योंकि एक साथ अब से बोथ ग्रुप में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि न्यू कोर्स जब लॉन्च हुआ था उसी समय से एप्लीकेबल हो गया